ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का 35 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3-bit रिपल डाउन काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसको कैसे डिजाइन करते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप हम कोई भी ले सकते हैं, जे के या टी। लास्ट वीडियो में हमने जे के लिया था, इस वीडियो में मैं टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करूंगा। दूसरी बात कि 3-bit है, इट मीन्स आपको 3 flip-flop यूज करने होंगे। मैं 3 flip-flop लिया हुआ। एंड डाउन काउंटर, डाउन काउंटर का मतलब हुआ कि ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? अप से, मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा, फिर ये मिनिमम जाएगा। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब हुआ कि इसमें क्लॉक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्लॉक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर निगेटिव होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में बबल्स लगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो हमने ऐसे लगा। अब आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि आपको पता है कि रिपल काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक देते हैं एंड उसका आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करता है। फिर इसका आउटपुट जो यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा? इसके लिए क्लॉक का काम करेगा। तो वो हम कैसे कनेक्शन दें, इसको कनेक्ट करें या इसको कनेक्ट करें, ये हमें कन्फ्यूजन है। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये देखिए, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि डाउन काउंटर, डाउन काउंटर का मतलब हुआ निगेटिव। आपको चाहिए निगेटिव, ठीक है? एंड आपको निगेटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इट मीन्स क्लॉक पॉजिटिव है, इट मीन्स प्लस प्लस इनटू प्लस में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि निगेटिव हो। इट मीन्स आपको निगेटिव में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्लस इनटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, जो हमने मैथ में पढ़ा हुआ है। तो प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, इट मीन्स आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव के लिए आपको ये क्यू नॉट से इसको कनेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव जैसा बन रहा है ना, अप से डाउन जा रहा है, अप से डाउन मतलब 1 से 0 जा रहा है, तो निगेटिव होगा। एंड अगर इसको कनेक्ट करते तो ये ऐसे जाता, तो ये 0 से 1 होता है, तो पॉजिटिव होता। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया, अगर आपको दिक्कत जाए तो आप उसको देख सकते हो। एंड इसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब हम इसका देखते हैं टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे होता है। तो 0 clock एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 का मतलब हुआ कि हम अभी कोई क्लॉक प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा जिस स्टेट में पहले था, मतलब कनेक्शन करते टाइम, उसी स्टेट में रहेगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट में? 0 पे है, 0। तो अगर क्यू नॉट पे अगर 0 है तो क्यू नॉट बार पे क्या होगा? 1 होगा। क्यू 1 पे 0 है तो क्यू नॉट इसका अपोजिट होता है। एंड एक और चीज कि टी फ्लिप फ्लॉप हो या जे के फ्लिप फ्लॉप हो, किस इनपुट पर काम करता है? 1। तो क्यू नॉट पे टी 1 नॉट पे 1 दिया तो यहाँ पर भी 1 होगा एंड यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अप्लाई करते हैं, सॉरी फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं। जैसे हमने पहला क्लॉक अप्लाई किया, इस पर क्लॉक अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा? अपना स्टेट चेंज करेगा, जो प्रीवियस स्टेट है उसका अपोजिट करेगा। प्रीवियस स्टेट क्या? 0। तो क्या होगा, इस फ्लिप फ्लॉप का बात हो रहा है, तो 0 है तो इस क्या हो जाएगा? 1। क्यू नॉट 1 हुआ तो क्यू नॉट बार हो जाएगा 0। हम इसके पेयर को साथ में ही लिखेंगे, क्यू नॉट लिखा तो क्यू नॉट बार लिखेंगे, क्यू 1 लिखेंगे तो क्यू नॉट क्यू 1 लिखा तो क्यू 1 बार लिखेंगे। अब देखो कि 0 to 1 जब चेंज हो तो क्या होता है? पॉजिटिव चेंज हो। एंड 1 to 0 हो तो ये क्या होता है? निगेटिव चेंज होता है। तो 0 to 1 चेंज हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव है, इट मीन्स ये पॉजिटिव क्लॉक का काम करेगा। पॉजिटिव क्लॉक तो ही चाहिए इस फ्लिप फ्लॉप को वर्किंग करने के लिए, इट मीन्स इसको पॉजिटिव क्लॉक प्रोवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा? अपने स्टेट को चेंज करेगा, जो प्रीवियस स्टेट है, इसके प्रीवियस स्टेट क्या था? 0। तो इसको क्या करेगा? 1 कर देगा। एंड इस फ्लिप फ्लॉप को चलने के लिए इस फ्लिप फ्लॉप को हमें देखना होगा, तो ये भी फ्लिप फ्लॉप वही कर रहा है, 0 to 1 चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज है, इट मीन्स ये पॉजिटिव क्लॉक का काम करेगा, इट मीन्स ये भी क्या होगा? अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो ये भी 0 था, ये 1 हो गया। अब Q2 1 हुआ तो Q2 bar क्या हो जाएगा? 0। Q1 1 हुआ तो Q1 bar 0। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या प्रोवाइड करें? सेकेंड क्लॉक, सेकेंड क्लॉक इस पर प्रोवाइड किया, फिर ये क्या करेगा? ये अपने स्टेट को चेंज करेगा। ये जो ये वाला होता है इसको LSB बोलते हैं, LSB, एंड ये राइट वाले को क्या बोलते हैं? MSB। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, MSB राइट साइड में Q2 होता है एंड टेबल में Q2 इस साइड होता है, ठीक है? एंड डायग्राम में Q0 इस साइड होता है एंड टेबल में Q0 इस साइड होता है। तो सेकंड फ्लिप सेकंड क्लॉक जैसे प्रोवाइड किया, ये तो ऑलवेज चेंज करेगा, ये 1 से 0 हो जाएगा।
वन से जीरो, वन से जीरो इट मीन्स निगेटिव, निगेटिव क्लॉक पे ये काम नहीं करेगा, तो ये एज इट इज जो प्रीवियस स्टेट उसी को मेंटेन रखेगा। एंड ये जब चेंज नहीं हुआ तो, जब ये चेंज नहीं हुआ तो ये भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके वर्किंग पे तो इसका इसका वर्किंग डिपेंड करता है। तो ये भी एज इट इज, तो क्यू टू सॉरी क्यू नॉट जीरो है तो ये वन हो जाएगा, एंड ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब हम थर्ड क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, थर्ड क्लॉक जैसे प्रोवाइड किए ये जीरो टू वन, जीरो टू वन पॉजिटिव, इट मीन्स ये पॉजिटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव क्लॉक का काम करेगा। तो पॉजिटिव क्लॉक जैसे मिलेगा तो ये भी अपना स्टेट चेंज करेगा, तो स्टेट चेंज करने से क्या होगा, वन था पहले तो स्टेट चेंज करके क्या हो जाएगा जीरो। वन टू जीरो, वन टू जीरो इट मीन्स निगेटिव है, तो जब ये निगेटिव का क्लॉक का काम कर रहा है इट मीन्स ये फ्लिप फ्लॉप अभी कोई वर्क नहीं करेगा, जैसे प्रीवियस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा, तो वन का वन मेंटेन रखेगा ये। क्यू टू वन है तो क्यू टू बार जीरो होगा, एंड क्यू वन जीरो है तो क्यू वन बार वन होगा, एंड क्यू नॉट वन है तो ये जीरो होगा, करस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, एरो इसलिए अब क्योंकि हमें पॉजिटिव स्टिकर्ड है। जैसे ही फोर्थ क्लॉक प्रोवाइड किया क्यू नॉट ऑलवेज चेंज हो गए, ये वन टू जीरो, वन टू जीरो इट मीन्स निगेटिव क्लॉक, निगेटिव क्लॉक का काम कर रहा है इट मीन्स ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, एंड ये भी काम नहीं कर रहा तो ये भी काम नहीं करेगा, तो ये भी एज इट इज। ये जीरो है तो ये वन, ये जीरो है तो ये वन, ये वन है तो ये जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ, फिफ्थ क्लॉक को प्रोवाइड किया, फिफ्थ क्लॉक जैसे प्रोवाइड किया क्यू नॉट क्या होगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा, जीरो टू क्या हो जाएगा वन, जीरो टू जैसे ही वन हुआ, जीरो टू वन इट मीन्स पॉजिटिव, इट मीन्स ये पॉजिटिव क्लॉक का काम यहाँ पर कर रहा है, पॉजिटिव क्लॉक आ रहा है इट मीन्स ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, एंड जैसे ही वर्किंग करेगा ये क्या करेगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा, जो प्रीवियस था प्रीवियस जीरो था ये वन हो गया। एंड ये चीज़ देखो कि ये भी जीरो टू वन ये भी एक काम कर रहा है पॉजिटिव क्लॉक का, जीरो टू वन, जीरो टू वन चेंज हो रहा है, पहले जीरो था अभी वन हुआ, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव क्लॉक का काम करेगा, ये भी अभी काम करेगा, ये पॉजिटिव क्लॉक इसको प्रोवाइड किया इट मीन्स ये भी फ्लिप फ्लॉप अब काम करेगा, एंड ये क्या होगा अपने स्टेट को चेंज करकर वन से जीरो कर लेगा, एंड ये वन है तो ये जीरो, ये वन है तो यहाँ पर जीरो, ये जीरो है तो वन। फिफ्थ, फिर हम सिक्स क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्स पे फिर ऐसे ही होगा वन टू जीरो, एंड वन टू जीरो निगेटिव हो रहा है तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, एंड ये जीरो टू वन, वन का जीरो एंड जीरो का वन। फिर हम सेवन क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवन क्लॉक पे फिर ये ऐसे ही जीरो का वन हो जाएगा, एंड जीरो का वन पॉजिटिव है तो ये वन का ये जीरो हो जाएगा, एंड वन का जीरो ये निगेटिव है ये जीरो का जीरो रहेगा, एंड ये वन है तो ये जीरो है तो ये वन, ये जीरो है तो ये वन। फिर हम क्या कर रहे हैं, एट क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, एट क्लॉक पे ये क्या हो जाएगा वन का जीरो, एंड वन का जीरो ये निगेटिव है तो ये भी काम नहीं करेगा, एंड ये भी काम नहीं करेगा, एंड ये जीरो जीरो है तो ये वन वन वन। फिर अगर हम नाइन क्लॉक प्रोवाइड करते हैं तो ये जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन पॉजिटिव है तो ये भी जीरो का वन हो जाएगा, ये भी अपना स्टेट चेंज करेगा, एंड ये जीरो जीरो जीरो। तो अब देखो कि वन वन से हमने स्टार्ट किया था पहला हमारा फर्स्ट, जैसे क्लॉक प्रोवाइड किया फर्स्ट फर्स्ट स्टेट हमारा यहाँ पर था पहला, एंड हमारा फिर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेट हमारा यहाँ पे आ गया, इनिशियल स्टेट यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर आ गया, इट मीन्स हमारा काउंटिंग भी हो रहा है, एंड काउंटिंग देखो आपको डाउन में हो रहा है, पहले हम एट फिर सेवन फिर सिक्स फिर फाइव फोर थ्री सॉरी सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, एंड फिर ये सेवन, इट मीन्स ये डाउन काउंटिंग भी कर रहा है। अब हम इसका क्या करते हैं, टाइमिंग डायग्राम देखते हैं, टाइमिंग डायग्राम ये क्यू नॉट हो गया, ये Q1 एंड ये Q2, Q0 एंड ये क्या है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो पॉजिटिव एज पे हम दिखा देंगे ऐसे एरो, ये डाउन हुआ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एज पे क्या होगा, हमने इनिशियली एज्यूम किया कि ये सारे जीरो पे हैं, तो पॉजिटिव एज पे क्या होगा ये अपने स्टेट को चेंज करेगा, जीरो टू वन हुआ, एंड फिर जैसे पॉजिटिव एज आया फिर अपने स्टेट को चेंज करेगा, फिर पॉजिटिव एज आया फिर अपने स्टेट को चेंज करेगा, फिर पॉजिटिव आ जाए फिर अपने स्टेट को चेंज करेगा, फिर पॉजिटिव आ जाए फिर अपने स्टेट को चेंज करेगा, ऐसे ही ये काम करेगा, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव एज ये है, फिर ये डाउन है, ये पॉजिटिव एज है, फिर ये पॉजिटिव एज है, तो क्यू नॉट क्यू वन के लिए क्लॉक क्या काम करेगा, क्यू नॉट, तो फिर क्यू क्यू नॉट जैसे ही पॉजिटिव एज है
तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा, ये अपना स्टेट चेंज किया 0 to 1 किया, एंड कब तक मेंटेन रखेगा कि जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज ना मिल जाए। नेक्स्ट पॉजिटिव एज यहाँ पर है, इट मीन्स ये तब तक ऐसे ही रहेगा, 1 को मेंटेन रखेगा, एंड जैसे ही पॉजिटिव एज आया फिर ये अपना डाउन हो जाएगा। एंड कब तक, जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज ना मिल जाए। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एज इसको मिला, फिर ये डाउन हो गया, नेक्स्ट पॉजिटिव एज मिला फिर डाउन से ये अप हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो अब Q2 के लिए क्लॉक का काम क्या करेगा, ये पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है। Q2 के लिए क्लॉक का काम Q1 करेगा। तो ये जैसे ही पॉजिटिव एज आया ये 0 to 1 हो गया, एंड ये कब तक रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज ना आ जाए। नेक्स्ट पॉजिटिव एज यहाँ पर है, इट मीन्स यहाँ तक ये अपने 1 मेंटेन रखेगा, एंड फिर यहाँ पर ही अपना 0 आ जाएगा, फिर ये आगे 0 मेंटेन रखेगा, ये पॉजिटिव एज है। ऐसे ये क्लॉक टाइमिंग डायग्राम ड्रा होगा, Q0, Q1, Q2, Q1 के लिए क्लॉक Q1 का काम करेगा, Q0 काम करेगा, Q2 के लिए क्लॉक Q1 काम करेगा, एंड Q0 के लिए क्लॉक जो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टाइमिंग डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल से ड्रॉ किया था। तो इस वीडियो इस चीज को एक और चीज़ देखिए कि अगर हमारा पहला टाइमिंग जो क्लॉक था उसका टाइम पीरियड ये टी है, ये इसको टी लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है 2t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t है, तो यहाँ से यहाँ तक t होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 2t हो जाएगा, t + t 2t। इट मीन्स Q0 का टाइम पीरियड क्या हो जा रहा है 2t, एंड इसका क्या हो जा रहा है ये 2t + 2t 4t 4t। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8t, ये आगे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8t। तो आप देखो, आपने क्लॉक प्रोवाइड किया टी टाइम पीरियड का, एंड उसका Q0 पे आउटपुट क्या हो जा रहा है 2t, Q1 पे 4t, Q3 पे 8t। तो अगर टी अगर आपका टाइम पीरियड है तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है 1/1 अपॉन टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Q1 पे आपका अगर F0 अगर इसका फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2t, क्योंकि टाइम पीरियड आपका 2t हो चुका है। एंड Q1 पे क्या हो जाएगा, अगर F1 अगर आपका फ्रीक्वेंसी है 1/4t, Q3 पे क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 1/8t। तो आप देख रहे हो कि आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइड होते जा रहा है, पहले आपका फ्रीक्वेंसी F था, फिर आपका F/2 हो गया, F/4, F/8। तो ऐसे आप, इसलिए हम बोलते हैं कि काउंटर को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, काउंटर आपके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड इस वीडियो में हमने देखा कि 3-bit काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसका ट्रूथ टेबल, टाइमिंग डायग्राम, एंड कैसे ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का यूज करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।